हमारा यूनिट 4 की जो फर्स्ट थ्योरम है, देखो क्या है। इफ द पॉइंट पी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बी, ये बी जो है एक तरफ से आपकी कलेक्शन है पॉइंट्स की, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट पी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द बी, हम इस बी पॉइंट से एक पी पॉइंट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, देन द डिग्री ऑफ बी पी, बी के अंदर जो पी पॉइंट है उसकी जो डिग्री है ओवर बी, बी के ऊपर इज अ पावर ऑफ 2। तो हमें ये दिखाना है कि अगर एक पी पॉइंट कंस्ट्रक्ट हुआ फ्रॉम बी, तो देन द डिग्री ऑफ बी पी, ठीक है, यानी कि ये जो पी पॉइंट से बनने वाला जो बी सेट है उसकी बी के ओवर ही जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 2 की कुछ ना कुछ पावर, पावर ऑफ 2 बोला है। 2 की पावर 1 है, 2 की 2 है, 2 की 3 है, 2 की 4 है, वो हमें नहीं मालूम, वो कुछ भी हो सकता है, बट 2 की पावर होगा, ठीक है। तो प्रूफ देखो क्या है, कहते हैं कि लेट पी वन, पी टू, पी थ्री, अप टू पी एन माइनस वन एंड पी एन बी द सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पी। कहता है पी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए, या पॉइंट्स भी हमें नहीं पता, 4 लेनी है, 5 लेनी है, 3 लेनी है, तो हमने क्या किया, इसीलिए जो सीक्वेंस ली वो पी वन से पी एन ले ली, ठीक है। अब n हमारा इस टाइम पर अननोन है, क्योंकि n की वैल्यू हमें नहीं मालूम, क्योंकि अगर हम मैं n को 5 देती हूँ दैट मीन्स आपने पर्टिकुलर 5 पॉइंट्स के लिए किया है, अगर मैं 6 देती हूँ तो आपने पर्टिकुलर 6 पॉइंट के लिए किया है। तो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिए कि पॉइंट्स ले लिए पूरे पी एन तक, तो जो पी एन है और उसका नाम भी क्या रख दिया, जो आखिर वाला है उसका पी रख दिया। कहते दीज पॉइंट्स क्या है, सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पी। आगे चलो, कहते ये जो पी वन है ये आपका क्या है, बेसिक पॉइंट है, स्टार्टिंग भी यहीं से कर रहे हैं, पी वन इज द बेसिक पॉइंट एंड पी आई इज इक्वल टू दिस। अब ध्यान से देखो कि आप कह रहे हो पी वन एक पॉइंट है, पी टू एक पॉइंट है, पी थ्री एक पॉइंट है, पी एन माइनस वन एक पॉइंट है, पी एन एक पॉइंट है, तो पॉइंट की कुछ वैल्यू तो होगी, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने एक पॉइंट लिया 2, 3, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर 2 है और वाई एक्सिस पर 3 है, तो ऐसे ही वो कह रहा है कि भाई आपने पी वन तो बेसिक पॉइंट कह दिया, आपने पी टू लिया, आपने पी थ्री लिया, कोई तो लोकेशन होगी ना इन पॉइंट्स की। तो हमने क्या किया भाई, सबके बारे में बता रहे हैं कि जो पी आई है वो किस तरीके से है, अल्फा आई कॉमा बीटा आई। इसका मतलब पी वन कौन है, अल्फा वन कॉमा बी वन, पी टू कौन है, अल्फा टू कॉमा बीटा टू, पी थ्री कौन है, अल्फा थ्री कॉमा बीटा थ्री, इसी तरह से पी एन कौन है, अल्फा एन कॉमा बीटा एन। क्लियर होगी ये चीज। अच्छा, अब ये चीज तो होगी जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉइंट्स, कि हमने पी वन, पी टू, पी थ्री, पी एन माइनस वन, पी एन, हमने जो है पॉइंट्स की सीक्वेंस ली है पी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जिसमें से जो पी वन है वो हमारा बेसिक पॉइंट है, और जो इनकी लोकेशंस थी वो हमने बता दी कि दैट मीन्स जो हमारा पी आई है वो किस तरीके से है, अल्फा आई कॉमा बीटा आई के तरीके से है, और ये जो हमारा आई है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर एन तक, ठीक है। कहते हैं ये जो आपका B है उसकी एक एक्सटेंशन ले ली, अब मान लो ये B सेट है, तो अब उसको B सेट को मैं एक्सटेंड करती हूँ, दैट मीन्स उसमें कुछ और एक्स्ट्रा पार्ट, वो क्या ले लिया, K ले लिया। जैसे हम बनाते थे ना, जैसे पहले B बनाया फिर उसका K बना दिया, आपको याद हो पहले F बनाते थे फिर ऐसे K बनाते थे, ठीक है। तो कहते हैं लेट K बी एन एक्सटेंशन ऑफ अ B जनरेटेड बाई एडिंग और एडजॉइनिंग पी वन, पी टू, पी एन। कहते हैं जो आपने बी पॉइंट से जो के बी से के की एक्सटेंशन करी है, यानी कि बी से जब आपने बी की हेल्प से और बी को एक्सटेंड करके जब कुछ नया बनाया वो के नाम रख दिया। अब बी को एक्सटेंड करने का मतलब क्या है कि भाई बी तो है ही है और बी में कुछ और भी एक्स्ट्रा डाला है, वो एक्स्ट्रा हमने क्या डाला है, किनको एडजॉइन कर दिए, ये जो आपने सीक्वेंस ली थी ना पी वन, पी टू, पी एन। कहते बी को ये सारे पॉइंट दे दें तो हमारा कौन बन जाएगा, के बन जाएगा। आपको याद होगा जैसे कि हम फील्ड एक्सटेंशन में करते थे, भी ए दे दिया,
ए वन दे दिया, अगर याद करो जब हम एफ को ए देते थे तो हम लिखते थे ना के बराबर एफ ब्रैकेट में ए। इसी तरह से कह रहा है कि भाई जब आपने बी की कोई एक्सटेंशन ली तो वो एक्सटेंशन के कैसे बनी। कह रहा है बी में हमने कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए, ज्वाइन कर दिए, वो पॉइंट्स कौन है, यही सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स। दैट मीन्स के कैन बी रिटन एज दिस कि बी ब्रैकेट के अंदर पी वन कॉमा पी टू अप टू पी एन। ठीक है, कहते नाउ वी क्लेम दैट कि अगर हमें के की बी के ऊपर एक्सटेंशन चाहिए हो तो हमें यही दिखाना है ना कि वो टू की कुछ ना कुछ पावर हो। अभी तो पढ़ा है कि डिग्री ऑफ बी पी ओवर बी इज अ दिस, तो इसका मतलब के की बी के ऊपर हमें ये दिखाना है कि वो किसी तरह से टू की पावर आ जाए। कहते द रिजल्ट फॉलोज दैट देन द डायरेक्टली एज दिस बी पी इज द सब फील्ड ऑफ अ के। अब कैसे हुआ, क्योंकि देखो ये पूरा के है, ठीक। अच्छा के जो है हमारा पूरा, वो के कैसे है कि बी में सारे पॉइंट्स दिए, ठीक। के अंदर ही तो जैसे बी को पी वन दिया वो भी अंदर है, बी को पी टू दिया वो भी अंदर है, बी को पी एन दिया वो भी अंदर है। तो जब मैं बी को खाली पी, पी खाली का मतलब क्या है पी एन, तो वो भी तो के अंदर का ही पार्ट है ना। और इसका मतलब ये जो बी को अगर हम पी देते हैं तो ये और कुछ नहीं बल्कि के की क्या है, सब फील्ड है। क्या ये के से बाहर चला जाएगा मुझे ये बताओ, नहीं, क्योंकि बी को अगर मैं मान लो एन मेरा 10 है, मतलब बी को अगर मैं 10 पॉइंट्स दे रही हूँ एड ज्वाइन करी तो के बन रहा है। तो अगर मैं बी को खाली एक ही पॉइंट दूं तो क्या वो के से बाहर जाएगा, नहीं, वो तब भी के का ही पार्ट रहेगा, के का क्या हो जाएगा, वो सब फील्ड। इसी तरह से मैंने बी पी की बात करी क्योंकि मुझे बात किसके लिए करनी है, बी पी के लिए करनी है। कहते हैं ठीक है, तो हम इस रिजल्ट को क्या करते हैं, इंडक्शन से प्रूव करते हैं। ठीक है, फर्स्टली कहता है कि हम एन को 1 ले लेते हैं, ठीक। जब एन को कहते हैं कि 1 ले लिया तो हमारे पास क्या हुआ, जब हमने 1 लिया तो के हमारा क्या हो गया, बी पी वन, ठीक है, एक पॉइंट लिया। बट पी वन इज अ बेसिक पॉइंट, दैट मीन्स पी वन बिलोंग्स टू बी, एंड दिस इम्प्लाइज दैट कि बी पी वन और कुछ नहीं बल्कि क्या है, बी ही है। यस, क्योंकि जो बेसिक पॉइंट है वो तो उसी के अंदर से ही उठाया, तो हमारा जो ये मेन बेसिक पॉइंट हो गया, इसका मतलब जो पी वन है वो तो किसका है, बी का है। इसका मतलब जब आप कह रहे हो कि भाई के बराबर आपका बी पी वन है, क्योंकि आपने नाम दिया था ना, तो आप तो ये कह रहे हो कि भाई पी वन तो बी का ही है, तो फिर तो ये बी ही हो गया। इसका मतलब के और बी बराबर हो गए, इसका मतलब के की बी के ऊपर एक्सटेंशन क्या हुई, सिर्फ 1 हुई। 1 को हम लिख सकते हैं 2^0। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है वो 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। नाउ एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के माइनस 1। ठीक है भाई, अगर आप के माइनस 1 के लिए कर रहे हो तो अगर के माइनस 1 के लिए ट्रू है, इसका मतलब हमारे पास अगर हम यू लेते हैं बी के अंदर पी वन पी टू अप टू पी के माइनस 1 पॉइंट तक लेते हैं, तो फिर उसकी के की बी के ऊपर जो डिग्री है वो 2 की कुछ ना कुछ पावर होगी। दैट मीन्स ये एग्री हो रहा है। कहते हैं चलो हम के आई के लिए वर्क करें। के आई इज इक्वल टू बी पी वन पी टू अप टू पी आई। ठीक है, तो कहते देन के हमने ना एक के आई डिफाइन कर लिया अपनी तरफ से, ताकि हम उसका कोई, जैसे अब के होता है, के में तो क्या कहा था, के कौन है, बी पी वन पी टू पी एन। हमने क्या कहा, एक अपनी तरह से सेट बना लिया कि भाई अगर बी के अंदर 10 पॉइंट होंगे तो उसका नाम के 10 रख देंगे, बी के अंदर 5 पॉइंट होंगे तो उसका नाम के 5 रख देंगे, अगर बी के अंदर आई पॉइंट्स आ रहे हैं तो के आई हो गया। ठीक है, कहते इससे क्या होगा, इसकी एक्सटेंशन करनी सही हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी आपने कहा ना के माइनस 1 के लिए ट्रू है, तो के फिर नीचे सफिक्स में k माइनस 1 ओवर b। इसका मतलब क्या है कि b के अंदर कितने पॉइंट है, p1 p2 pk माइनस 1, और हमें किसके ऊपर डिग्री चेक करनी थी, b के ऊपर, और ये बात ट्रू है क्योंकि उसने कहा था k माइनस 1 के लिए ट्रू है, तो हमने मान ली भाई 2 की कुछ पावर हो गया। पावर तो पता नहीं क्या होगी, मैंने मान ली कि भाई m पावर है, हमें मेन 2 से फोकस करना है। ठीक है, कहते हैं m कुछ भी हो, ओके, स्टार इक्वेशन नाम दे दिया। कहते चलो अब एक पॉइंट लेते हैं अपनी तरफ से, पी आर लिया अल्फा आर कॉमा बीटा आर, और एक और पॉइंट लेते हैं पी एस अल्फा एस कॉमा बीटा एस। 2 पॉइंट्स ले लिए, हमें नहीं पता वो कौन है, वो पी फाइव है, पी टेन है, नो, हमने कोई 2 पॉइंट्स लिए, एक का नाम पी आर रख दिया, एक का नाम पी एस रख दिया। पी आर लिया तो अल्फा आर कॉमा बीटा आर हो गया, पी एस लिया तो अल्फा एस कॉमा बीटा एस हो गया। कहते ये कोई 2 पॉइंट्स है, देन द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पी आर एंड पी एस।
अब आपको पता है, आप 11th क्लास में भी करके आए हो, अगर दो पॉइंट्स पता हूँ और हमें उसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी हो, तो आपको याद है कैसे करते थे? ये तो अब पूरी इकट्ठी लिखी हुई है, वैसे अगर आपको मैं बताऊँ तो ऐसे था, वाई माइनस वाई वन फिर इक्वल एक्स माइनस एक्स वन, और फिर यहाँ होता था स्लोप की जगह, ये होती थी ना लाइन की इक्वेशन, ये होते थे एक्स वाई हमारे वैसे ही जो इक्वेशन के लिए पॉइंट, और ये होते थे हमारे जैसे कि पहला पॉइंट है मान लो एक्स वन कॉमा वाई वन, और ये मान लो दूसरा पॉइंट है एक्स टू कॉमा वाई टू, तो वाई माइनस वाई वन, और इधर होता था एक्स माइनस एक्स वन, और इधर होता था वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन। अब क्या है कि हम अगर मैं इस चीज को चाहूँ तो यू भी लिख सकती हूँ वाई वन माइनस वाई टू, तो फिर इसको लिखूंगी एक्स वन माइनस एक्स टू, क्योंकि ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, That means this can be written as also this form. अच्छा ये हो गया, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं ठीक, ये वन वाले हमारे हो गए R, और टू वाले कौन है S, ठीक, और ये जो Y है ये कौन है बीटा, और ये जो X है ये कौन है अल्फा, दिस इज बीटा दिस इज बीटा दिस इज अल्फा, तो टोटल मिला के क्या बना, वाई वन इज बीटा आर ब्रैकेट अल्फा आर माइनस अल्फा एस इज इक्वल टू बीटा आर माइनस बीटा एस ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फा आर, देखो यही लिखा हुआ है, क्लियर हो गया, ठीक है, हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ले ली। कहते हैं अगर दो स्ट्रेट लाइन लाइक दिस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो द पॉइंट जनरेटेड टू इंटरसेक्शन इज वन। देखो कहना क्या चाहता है, ध्यान से समझना, ये दो लाइंस हैं एक दूसरे को काट रही हैं, कितने पॉइंट पर काट रही है बताना, एक पर ही काट रही है या एक से ज्यादा पर काट रही है, एक पर ही काट रही है ना, तो वो यही कहना चाह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को कट करती हैं, तो जो उसका इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है वो वन होता है, दैट मीन्स टू रेज टू पावर जीरो। ठीक है, ये कि टू स्ट्रेट लाइन लाइक दिस इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन द पॉइंट जनरेटेड टू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से जनरेट होने वाला पॉइंट कितना है, एक है, दैट इज दिस। कहते हैं ऑल्सो अगर पी टी बी सम अदर पॉइंट, अगर ये कोई अदर पॉइंट है, देन द सर्कल विद सेंटर एट पी टी एंड द रेडियस इज दिस, अब वो बात खत्म कर दी, अब बात कर रहे हैं अनदर पॉइंट की बात कर रहा है, कोई और पॉइंट की बात कर रहा है। कहते हैं अगर कोई पॉइंट हो, ठीक है, एक एनी पॉइंट ले, वो स्ट्रेट लाइन वाली बात खत्म हो चुकी है, नई चीज है। कहते अगर कोई पॉइंट हो, ठीक है, अल्फा टी कॉमा बीटा टी भी सम अदर पॉइंट, तो अगर सर्कल हमें बनाना हो, सर्कल की इक्वेशन, और आपको सेंटर बता दिया जाए कि पी टी पर है और रेडियस ही है, तो आपको याद है कैसे हमें 11th क्लास में हमारा सर्कल वाला चैप्टर हुआ करता था, तो कहते थे ना कि अगर हमारा सेंटर क्या हो ए बी और रेडियस क्या हो आर, तो इक्वेशन पता क्या होती थी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मी आर का स्क्वायर, है ना, यही चीज थी। अब हमें सेंटर क्या बोला, पीटी, पीटी मतलब अल्फा टी और बीटा टी, तो क्या बनेगी, एक्स माइनस अल्फा टी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा टी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती थी, रेडियस। बात यह है कि रेडियस इस फॉर्म में दे रखी है, तो इस चीज को उन्होंने क्या किया, रेडियस की फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर सीधा ये चीज करके ही दिखा रखी है। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अल्फा आर माइनस अल्फा एस का स्क्वायर, अब ऊपर से लिंक कर दिया, ये वो जो दो पॉइंट थे ना, अल्फा आर माइनस अल्फा एस का स्क्वायर प्लस में बीटा आर माइनस बीटा एस का स्क्वायर, ये चीज मतलब उनका जो रेडियस है वो पी आर और पी एस से बनाया ना, और उनकी क्या ले लिया, मोड ले लिया, एक तरह से ये कहना चाह रहा है पी आर और पी एस की आपस में मल्टीप्लाई और फिर उनका मोड, और उसको लिखने का तरीका उन्होंने ये बता दिया, ठीक है। अच्छा कहते हैं अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करती हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, वन या टू, यस भाई, अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो दो कंडीशन हो सकती हैं। देखो ये दो सर्कल हैं, एक पॉइंट पर काट रहे हैं, पर ऐसे भी तो काट सकते थे,
कितने पॉइंट पर काट रहे हैं, दो, तो या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वन होगा या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू होगा। वन को भी हम टू की पावर जीरो लिख सकते हैं, टू को भी हम टू की पावर वन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो गया कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वन और टू, दैट मीन्स टू रेज टू पावर जीरो या टू रेज टू पावर वन, सेम एज वन सर्कल एंड द वन लाइन, अगर टू की पावर जीरो हो रही है, ठीक है। तो फिर अब उन्होंने क्या किया, के के ले लिया ओवर बी। के के का क्या मतलब है बताना, कि बी के अंदर हमने एक से लेकर के पॉइंट डाल दिए, ठीक है। अब ध्यान देना, के के को हम यूं लिख सकते हैं भाई, जैसे कि ये देखो एक बी हुआ, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, ये दिस इज बी एंड दिस इज बी विथ के माइनस वन एलिमेंट्स एंड दिस इज बी विथ के एलिमेंट्स, दैट मीन्स दिस इज बी एंड दिस इज के के माइनस वन एंड दिस इज के के। तो अगर हम देखें तो हमें के के की अगर बी के ऊपर चाहिए, तो हमने याद है वो थ्योरम करा की थी एल एम एन वाली, कि एल की एन के ऊपर चाहिए तो एल की एम पर देख लो और एम की एन पर देख लो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब के की बी के ऊपर चाहिए, दैट मीन्स इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ठीक है ना, इसकी इसके ऊपर और इसकी इसके ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, दैट मीन्स इसकी इसके ऊपर हो गई। अब कहता है कि इसके इसके ऊपर तो आपको पता ही है ना, टू की पावर एम है, बात रहेगी इसके इसके ऊपर, इसका मतलब क्या है कि कितने पॉइंट्स की बात हो रही है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया ना। कहता है अभी हम ऊपर पीछे पढ़ के आए हैं, या तो आंसर टू की पावर वन होगा या टू की पावर जीरो होगा ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, या तो दो स्ट्रेट लाइन है भाई, आपने के माइनस वन पर एक बना ली और एक वहां से बना ली, या दो सर्कल है या एक सर्कल है या वन स्ट्रेट लाइन है, यही हो सकता है, या तो दो स्ट्रेट लाइन की इंटरसेक्शन है ये, या फिर क्या है भाई, पॉइंट्स है ना आपके, ये जो के के और के माइनस वन है, के माइनस वन में क्या है कि बी के अंदर पी वन से लेकर पी के माइनस वन तक पॉइंट है और इसमें पी वन से लेकर पी के तक के पॉइंट है। तो एक तरह से वो ये कहना चाह रहा है कि भाई इसकी एक्सटेंशन जो होगी या टू की पावर वन होगी या टू की जीरो होगी, कैसे, ये तो या तो आपने दो स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट किया होगा, कोई भी दो पॉइंट, ठीक है, या फिर आपने दो सर्कल को किया होगा भाई, पॉइंट से सर्कल, या फिर आपने एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन को किया होगा, तो यही हो सकते हैं। और इसके आंसर वो यही कह रहे हैं, या तो टू की पावर वन बनता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या टू की पावर जीरो बनता है। तो देन वी गेट दिस कि दिस इज टू रेज टू पावर वन एंड दिस इज टू रेज टू पावर एम दिस, बट ये भी तो हो सकता है दिस इज टू रेज टू पावर जीरो, ये तो टू की पावर एम है, टू की पावर एम। तो टोटल मिला के की बी के ऊपर टू की पावर एम प्लस वन आ रही है, टू की पावर एम आ रही है, बट इन बोथ कंडीशन आंसर इज टू रेज टू पावर, है ना, टू रेज टू पावर। तो दैट मीन्स के की बी के ऊपर क्या होगी, पावर ऑफ टू होगी, और हमें यही प्रूफ करना।